हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने चैनल को क्रिएट कर देते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो है वो उसका नेम जो है वो कॉमन सा रख देते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमसे गलती हो गई। क्योंकि जब भी आप किसी को बताते होंगे अपने चैनल का नेम, तो जैसे कि आपने कुछ भी अपने चैनल का नेम रख दिया, तो जब भी आप किसी को बताएंगे तो वो जब YouTube पे सर्च करेगा तो वहाँ पे उस नेम के और भी चैनल हो सकते हैं। तो आपको जो भी चैनल का नेम रखना है वो यूनिक रखना है, ताकि कोई सर्च करे तो आपका चैनल जो है पहले नंबर पे आए। तो अगर आपने कॉमन सा नेम रख दिया है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है वो दो तरीकों से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चैनल का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल रियल है और जो है वो आप बड़ी आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube ऐप जहाँ से ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको जो है वो माई चैनल में चले जाना है। तो माई चैनल में जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पर इस तरह का पेज आपको कुछ जो है वो शो होगा, जहाँ पे ऊपर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर सेटिंग वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो नेम के आगे एक पेंसिल टाइप जो है वो दिखाई दे रही होगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपका नेम पहले वाला जो होगा वो जहाँ पे आ जाएगा, और जहाँ पे आप जो है वो न्यू नेम जो है वो रखना चाहते हैं अपने चैनल का, वो जहाँ पे आपको रख देना है। तो मैं जहाँ पे अपने नेम चैनल का नेम जो है वो चेंज करता हूँ, पहले पवन कुमार था, अब जो है वो टैग पवन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैग पवन हो चुका है। तो सिंपली मैं बैग आता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसको, और आपको फिर से दिखा देता हूँ दोबारा कि मेरे चैनल का नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि टैग पवन मेरे चैनल का नेम जो है वो हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं, जो वो बड़े ही सिंपल वे में। तो बस जो वो पहला तरीका यही था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका कि कैसे आप यूँ अपना नेम चेंज कर सकते हैं, अगर आपका इस तरीके से नेम चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपका इस तरीके से नेम चेंज हो जाता है जैसे मैंने बताया, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो आपको मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। सिंपली आपको फिर से अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको सिंपली फिर से माई चैनल पर चले जाना है। माई चैनल पर जाने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फिर से जो पेंसिल वाला दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लर्न मोर, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली आपको जहाँ पे इस पेज पे आ जाना है, इस पेज पे आ जाने के बाद आपको चेंज ओवर चैनल नेम पर क्लिक करना है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ लर्न मोर अबाउट चेंजिंग योर गूगल अकाउंट नेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपको दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है साइड वाले, जहाँ पे गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपको जो है वो इस तरह का पेज कुछ आएगा, जहाँ पे आपको जो सिंपली जो नीचे लिखाई दे रहा होगा योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपका जो चैनल ओपन हो जाएगा, तो चैनल ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली नेम पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, टैग पवन, जो मेरा दूसरा अकाउंट है, जो पहले मैंने चेंज किया था वो अलग अकाउंट था। तो अब आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कीप इन माइंड दैट यू कैन ओनली चेंज योर नेम थ्री टाइम्स विद इन 90 डेज। तो आप जहाँ से कंफर्म कर लीजिए आपका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मुझे फिलहाल अभी नेम चेंज नहीं करना है, तो मैं अभी यही रखना चाहता हूँ। तो आप जो है जहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, तो बड़े सिंपल तरीके से आप जो है अपना नेम चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Thanks for watching.